कर्तव्य पथ पर महिला सशक्तिकरण की मंगल ध्वनि, परेड के बाद लोगों से मिले पीएम मोदी। भारतवासी आज 75वां गणतंत्र दिवस उत्साह के साथ मना रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए 2 दिन के राजकीय दौरे पर भारत आ चुके हैं। वह पेरिस से सीधे जयपुर पहुंचे। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आगवानी की। बाद उन्होंने आमेर का किला पहुंचकर भारतीय कामगारों और छात्रों से बातचीत की। पीएम मोदी ने जयपुर के जंतर मंतर पर मैक्रों का स्वागत किया। रोड शो के दौरान दोनों नेताओं ने हवा महल भी देखा। कर्तव्य पथ पर मध्य प्रदेश की झांकी में दिखी नारी शक्ति की झलक। चंदेरी के रेशम की भी बताई खूबी। गणतंत्र दिवस के मौके पर नई दिल्ली स्थित कर्तव्य पथ पर निकाली गई मध्य प्रदेश की झांकी में नारी शक्ति की झलक दिखाई दी। गणतंत्र दिवस के मौके पर नई दिल्ली स्थित कर्तव्य पथ पर परेड का आयोजन किया गया, साथ ही विभिन्न राज्यों की झांकी भी निकाली गई, जिसमें मध्य प्रदेश की झांकी नारी शक्ति की थीम पर शामिल हुई। झांकी में चंदेरी के रेशम की झलक दिखाई गई, साथ ही मिलेट्स एम्बेसडर लहरी बाई का नाम भी झांकी में प्रस्तुत किया गया। सीएम मोहन यादव की घोषणा, मोटा अनाज उत्पादन करने वाले किसानों को मिलेगी 1,000 रुपए प्रोत्साहन राशि। गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मोटा अनाज उत्पादन करने वाले किसानों को प्रति क्विंटल पर 1,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। गणतंत्र दिवस को लेकर उज्जैन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल हुए और उन्होंने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में कई घोषणाएं की, साथ ही प्रदेश की कई उपलब्धियों का भी जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में इंदौर सहित अन्य शहरों द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों का जिक्र करते हुए सफाई मित्राय की तारीफ की। वहीं गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रदेश की जेल में बंद 161 कैदियों को रिहा करने की भी घोषणा की। बाबा महाकाल के दरबार में छाया गणतंत्र दिवस का उल्लास। तिरंगे से सजाया शिवलिंग। गणतंत्र दिवस के मौके पर महाकाल मंदिर में शिवलिंग को तिरंगे से सजाया गया। गणतंत्र दिवस के मौके पर देश भर में कई आयोजन किए गए। इसी के चलते उज्जैन स्थित बाबा महाकाल मंदिर में गर्भगृह में शिवलिंग को भस्म आरती के बाद तिरंगे से सजाया गया। गणतंत्र दिवस को लेकर उज्जैन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल हुए और उन्होंने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में कई घोषणाएं की। सीएम यादव ने कहा कि अयोध्या में श्रीराम मंदिर में भगवान श्रीराम की प्राण प्रतिष्ठा से राम राज्य की संकल्पना जीवंत हो गई है। सहकारिता से निमाड़ को मिली पहचान। आज खरगोन में भाजपा की मजबूत जड़े। खरगोन बड़वानी संसदीय क्षेत्र ने सहकारिता को राजनीति में जगह दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसका श्रेय निमाड़ के कद्दावर कांग्रेस नेता और सहकारिता पुरुष सुभाष यादव को जाता है। मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नर्मदा नदी के तटीय क्षेत्र और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सुरम्य वादियों में बसा निमाड़ अंचल कई विशेषताओं को समेटे हुए है। इसके खरगोन बड़वानी संसदीय क्षेत्र ने सहकारिता को राजनीति में जगह दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसका श्रेय निमाड़ के कद्दावर कांग्रेस नेता और सहकारिता पुरुष सुभाष यादव को जाता है। निमाड़ की राजनीति ने प्रदेश की राजधानी भोपाल से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक भी दखल रखा है। यहाँ के राजनीतिक परिदृश्य का अपना अलग ही अंदाज है। पश्चिम निमाड़ से ही निमाड़ की नैया का नारा बुलंद हुआ था। सुभाष यादव के लिए चुनावी मैदान में इस नारे का जमकर प्रयोग किया गया। सुभाष यादव ने सहकारिता के मॉडल को राजनीति में लाते हुए उसे सफलतापूर्वक स्थापित भी किया था।